हाँ तो शफातीनो साहब, तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी गुजरात के स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे वजीराबाद, वहाँ से फ्लाइट पकड़ी और सीधा पहुंचे गुजरावाल। तो आज की कहानी में मैं एक्सप्लोर करने वाला लाहौर के 5 बेस्ट स्ट्रीट फूड, जिनको खाने का बड़ा ही मजा आने वाला। और ये स्ट्रीट फूड कौन से हैं, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ कहानी में एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा, तो वो भी अल्फी लगा के। आज हम करेंगे एक्सप्लोर लाहौर, वो भी अपने स्टाइल में। ये हमारी लारी जिसमें हम घूमेंगे लाहौर। लेकिन चलेगी नहीं, कितने कितने आ रहे तो दिन का स्टार्ट करेंगे हम देसी स्टाइल नाश्ते से, और इसके लिए हम आए हैं मदनी वालों के पास अंदरून लाहौर दिल्ली गेट। इनके मक्खन के पेड़े विद शक्कर विद गर्मा गर्म कुलचा लोगों का मनपसंद नाश्ता है। तो आज हम ट्राई करेंगे लोगों का मनपसंद नाश्ता, मदनी के मक्खन के पेड़े और नान। तो ये नाश्ते में ट्राई करेंगे, और ये चीज ऐसी है कि अगर आप लाहौर में है ना तो मस्त ट्राई करें। यहाँ पे आगे हमने गुजरांवाला से ट्राई किया था सिर्फ मक्खन के पेड़े और साथ में शक्कर, बट यहाँ पे साथ में नान भी ट्राई करेंगे। ये नाश्ता हो जाएगा हमारा लाहौर का सबसे पहला। वाह मक्खन सही नरम है। वैसे जो मक्खन खाने का मजा आता नहीं है, शक्कर या चीनी, बट शक्कर ज्यादा बेस्ट। जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा जूसी है। और वैसे इन्होंने लगाया हुआ कि प्योर मक्खन के जो है ना पेड़े हैं, तो खाने से फील भी हो रहा है कि वाकई प्योर काम है ना इनका, कि मजा आ जाता है आपको पहला नवाला लेते हुए। टेस्ट कैसा है इसका? वेरी गुड। पहली दफा मैं खा रहा, मैंने पहले कभी नहीं खाया। अली भाई लाहौर में रहते हो, पहली दफा खा रहे हो? मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वीडियोस बहुत देखी हैं, लेकिन आपके साथ मेरा आना हुआ क्योंकि अकेला मैं आता नहीं हूँ। तो आप लोग आए हो, आपकी वजह से हमें भी खाने को मिला, ट्राई करने को मिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लोहड़ियों से पहले हमने पहले ही गुजरांवाला में खाया हुआ था, मजेगा उससे ज्यादा टेस्ट है, इतना ज्यादा जूसी और वो ना सॉफ्ट है, मजा आ गया। Now it's time to taste तारी की लस्सी in अंदरून लाहौर। इस लस्सी को पीने के बाद ना भाई साहब आप इसके आशिक हो जाएंगे मेरी तरह। बहुत ही कमाल की लस्सी है, एकदम हैवी वाली। हम बड़े क्यूरियस थे कि यार इसकी लस्सी में ऐसा क्या है, तो क्रेज भी था कि चेक करेंगे किसी दिन। तो फाइनली वी आर हियर। आवाम से ही दीवानी है ना इनकी लस्सी की, सही रस पड़ा हुआ इधर। बारी में लगना देखने में ना बड़ी हैवी किस्म का काम लग रहा है, जबरदस्त यार। सही प्योर किस्म की ना लस्सी का टेस्ट आ रहा है, दही का सही टेस्ट आ रहा है अंदर, सच में कमाल की चीज़ है। और जैसा एक्सपेक्ट किया हुआ था ना वैसा ही काम है इनका भाई साहब, सही थिक है। हाँ तो भाई साहब इस नाश्ते की दुकान के सामने इतना खतरनाक किस्म का रश देख के मैं तो परेशान हो गया कि यार ऐसा क्या है जो लोग खाने के लिए इतने बेताब हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर जब मैंने ऊपर देखा बोर्ड पे लिखा था उस्ताद मोता जी चने वाले, और इनके तो चिकन और चने बड़े ज्यादा मशहूर जमाना है। यहाँ पे इतना रश था भाई साहब अंदर आने के लिए ना, हमें बड़े धक्के छक्के मार के हम अंदर आए हैं। तो यहाँ से इनके चने ट्राई करेंगे, और जो यहाँ के ऑनर है ना उनसे भी थोड़ी बहुत गपशप करते हैं। छोटा है
क्राउड के हिसाब से एंड वेरी क्राउडेड बट वर्थ वेटिंग एंड चॉकलेट। ये सब अभी हम चेक करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि खुद खाने से ज़्यादा पता चलेगा कि इनका टेस्ट बाकी ऐसा है कि जिसको वजह से इतना रश है कि लोग इनके चने लेने के लिए लाइन में और भीड़ में लगे हुए हैं। भाई साहब ये है पहला नवाला उस्ताद मोते के चने के, चने का विद नान। भाई साहब टेस्ट वाकई मज़े का, मसाले बड़े ऑन पॉइंट है, स्टैंडर्ड करते हैं टेस्ट में, बड़ा लाइट सा काम है। अभी इनका चिकन ट्राई करते हैं चनों के साथ। जबरदस्त कमाल की चीज़ है, सही बात है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वैसे ही टेस्ट है इसका, ज़बरदस्त। हमने ना सबसे पहले हरीसा ट्राई किया था गुजरांवाला का, गुजरांवाला में तीन पॉइंट थे यादगार, अमृतसरी और बट हरीसा। तो सबसे मज़े का था ना वो था बट हरीसा का। तो आज लाहौर में हम ट्राई करेंगे हरीसा अमृतसरी का, जो रियल में अमृतसरी है उनके पास हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप निस्बत रोड पे एंटर होते हैं ना तो यहाँ पे आपको तीन चार हरीसे वाले मिलते हैं, अमृतसरी हरीसा, क्योंकि जो भाई साहब फेमस वाले हैं, जो मशहूर हैं और असली वाले, उनके पास आए हैं, उनका हरीसा ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि गुजरांवाला का अमृतसरी हमें पसंद नहीं था। ये बीफ हरीसा अमृतसरी का खुशबू तो भाई साहब मज़े की आ रही है, देसी घी की है। टोटली जो गुजरांवाला से हमने हरीसा खाए हैं ना उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब हट के टेस्ट है इनका ना। और वहाँ पे उनके हरीसा के अंदर ना एक ना स्वीटनेस थी है, तीनों जगह से हमने ट्राई किया ना, अब यहाँ पे स्वीटनेस नहीं है, यहाँ पे मसालों का जो है ना वो टेस्ट आ रहा है ज़्यादा, खास कर काली मिर्च का ना। हाँ तो भाई साहब सज्जी और चावल का जो कम्बिनेशन है ना वो खाने में बनता है बड़े ही मज़ेदार, तो इसके लिए हम आए हैं डोगर सज्जी, ताजपुरा ब्रांच है ना वहाँ, तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे इनकी सज्जी और खा के आपको बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। और अगर इनकी गूगल पे रेटिंग चेक की जाए ना तो इनकी गूगल पे रेटिंग है 4.4, तो वो भी अब चेक करते हैं कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, फिर हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हम इनके बारे में क्या कहते हैं, फिर सही पता चलेगा कि लोग सही कहते हैं कि नहीं। तो ये है इनके ऊपर बैठने की जगह ना, आराम चेक करें वहाँ में, तो ये बंदे ना वेट कर रहे हैं कि जगह मिले बैठने के लिए, इतना क्रश है कि लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। इसलिए इनकी सज्जी में कोई ना कोई बात तो है, इस वजह से इतना रश है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं उन सीढ़ियों से आया हूँ तो मुझे ऐसे ही लगा कि रोटी खुली हुई है किसी शादी की, लेकिन बाद में पता लगे डोगर सब्जी है। मैं खुद देख रहा हूँ इतना ज़्यादा रश है, आराम से इधर ही आइए। सेम यही सिचुएशन होती है कि बारात आई है ना वजीमा, ऐसे ही ऊपर सारे टेंट लगे हुए हैं। अभी रिव्यू चेक करते हैं बंदे क्या कहते हैं इनके बारे में। शावेस मिनहास, एटमॉस्फेयर इज नॉट फ्रेंडली इफ यू आर फॉर सूटेबल लोकेशन, लिटिल बिट स्पाइसी बट नॉट मच, वाटर इज इनफ फॉर टू पीपल इवन फॉर हेल्थी पर्सन। तो भाई साहब इनका यही कहना है कि इनका जो एटमॉस्फेयर है ना वो ज़रा इतना अच्छा नहीं है, इनका भी यही कहना है स्पाइसी है और क्वार्टर दो बंदों के लिए इनफ। और उसके बाद है अगला रिव्यू, ये है हैदर अली, दे आर सर्विंग सम अमेजिंग फूड, दे सच्ची एंड टिक्का आर वेरी ग्रेट एंड गुड इन टेस्ट, वेरी लाइट एंड नॉर्मल स्पाइसी, आई डोंट लाइक देयर एटमॉस्फेयर। इनका भी यही कहना है कि स्पाइस नॉर्मल थे, टेस्ट अच्छा था, मगर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं था, वो उन्हें पसंद नहीं। अभी कहा दैट इज ओपन ईयर बट दे वर्किंग वेरी हार्ड सो दे कैन अचीव बाई टाइम दी ग्रेट एम्बियंस, मतलब शिकायत एक है एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये इनके रिव्यूज़ हैं, बाकी हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके हमें इनकी सब्जी कितनी पसंद आती है। सही है स्पाइसी होने वाली है, स्पाइस में ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो लेट्स सी। तीनों हजरात ये आ गई है हमारी सब्जी विद राइस, तो ये हमने ना हाफ सब्जी लगवाई है। तो भाई साहब ये है सब्जी डोगर सब्जी की, अभी हमने इसके अंदर मसाले जो है ना अपनी मर्जी से डलवाए हैं, मसाले ज़्यादा नहीं डलवाए, अगर डलवाते तो फिर खाने नहीं थी होने। अभी चेक करते हैं इसी के अंदर ही है, ये हाफ है, इसकी प्राइस है 1150 रुपये।
जो कि तीन से चार बंदों के लिए ना, अगर तो आपके नॉर्मल से आपके मेदे हैं तो फिर उसके लिए वरना फिर ये कम पड़ जाएगी। चेक करेंगे और ये इनकी स्पेशल वाली चटनी जो इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं वैसे चेक करूँगा, टेस्ट नहीं जाना बड़ा ज़बरदस्त। अब ये जो चिकन की बात है ना, चिकन से जूसी है, मसाले बड़े नॉर्मल से हैं और ज़बरदस्त किस्म के हैं, तो ये सब ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो चावल जो है ना सही देख के चावल होते हैं ना, वैसा टेस्ट आ रहा है। अब ये चटनी के साथ ट्राई करते हैं, चटनी होने वाली है स्पाइसी। चटनी बड़ी मजे की, चटनी का टेस्ट और ज़बरदस्त हो गया। मिली हुई चटनी है, मीठा मेरा सारा टेस्ट आ रहा है, स्वीट स्वीट सा और हल्के फुल्के से स्पाइसी है, बट इसके साथ ऐड करके ना मज़ा आ रहा है चटनी के साथ। जो हमने गूगल पे जो रेटिंग पढ़ी थी ना, उस हिसाब से ना बिल्कुल सही परफेक्ट, ठीक है। टेस्ट मेरा बड़ा ज़बरदस्त है, एम्बियंस अच्छा नहीं है, एम्बियंस की है ही है, बैठने की जगह मिली है ना, बस ज़बरदस्त है, बाकी टेस्ट फिट है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाहौर में है ना तो ये लाजमी ट्राई करें। हाँ तो भाई साहब, ये थी आज की कहानी। तो इस पूरी कहानी में विच वन इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड पॉइंट, और ऐसा कौन सा स्ट्रीट फूड पॉइंट है इनमें से जो आपने अपने पल्ले से ट्राई किया, तो लाजमी बताइएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह इसी यूट्यूब चैनल पर इसी खूबसूरत चेहरे के साथ। बाकी कहानी और खाने में कुछ हटके होगा हमारी तरह।